प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं एस कुमार मनोज आई इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, यह इकोनॉमी की क्लास चल रही है और हम लोग यहां पर आज एक बहुत ही जरूरी टॉपिक इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रा स्फीति क्या है। बच्चों, मुद्रा स्फीति के बारे में बात करना है, इन्फ्लेशन के बारे में हमें समझना है। इसको आप ऐसे समझें कि मान लीजिए आप घर में दूध लेके आते हैं, फुल क्रीम दूध लेके आते हैं, 56 रुपए का दूध मिलता है, 56 रुपए में 1 लीटर दूध मिलता है। अब आप 56 रुपए लेके बाजार में गए, लेकिन बाजार में 56 रुपए में 1 लीटर दूध नहीं मिला, फिर आप क्या करेंगे? देखो, 56 रुपया है, रुपया 56 है, लेकिन वो कह रहा है इसमें आपको अब ये जो थैली 500 ml की थी इसमें 450 ml ही आता है, और दो लेंगे तो इसमें 450 450 900 ml, 56 रुपए में आपको 900 ml मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं, पैसा उतना ही है लेकिन वस्तु तो क्या मिल रही है, कम मिल रही है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यानी जो पैसे की कीमत है, आप समझ रहे हैं, पैसे की कीमत क्या हो गई, कम हो गई, वस्तु कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। इस बात को समझो, पैसे की कीमत कम हुई कि नहीं हुई, आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? 56 रुपए में आपको पहले कितना मिलता था, 1 लीटर, और 56 रुपए में कितना मिल रहा है, 900 ml, समझ रहे हो? और वस्तु कीमत क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो आओ हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रा स्फीति क्या है। मुद्रा स्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति गणितीय आकलन, मैंने बताया मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर आधारित एक शास्त्रीय अवधारणा है, यह एक कॉन्सेप्ट है। समझ में आई बात, क्या कॉन्सेप्ट है? जिससे बाजार में मुद्रा का प्रसार वो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या कमी की गणना की जाती है। इस बात को समझना, इंक्रीज या डिक्रीज होने की बात की जाती है। वस्तु एवं सेवाओं की कीमत स्तर में लंबे समय तक निरंतर होने वाली वृद्धि को, समझिएगा, निरंतर होने वाली वृद्धि को, कंटिन्यूअस वृद्धि होती है। जैसे समझो आप, पहले आज के 10 साल पहले 100 रुपए में आप जितनी वस्तुएं खरीदते होंगे, 9 साल पहले 100 रुपए में जितनी वस्तुएं खरीदते होंगे, आज जितने 100 रुपए में खरीदते होंगे, आने वाले समय में 100 रुपए में जितनी वस्तुएं खरीदेंगे, आप उसको देखिएगा, उसमें एक समानता ना होगी। तो यही बात कह रहा है कि वस्तु एवं सेवाओं की कीमत स्तर में लंबे समय तक निरंतर होने वाली वृद्धि को मुद्रा स्फीति कहते हैं। इसी कारण मुद्रा की प्रत्येक इकाई से पहले की अपेक्षा कम वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी जाती हैं, अर्थात मुद्रा स्फीति मुद्रा की क्रय क्षमता को घटा देती है, डिक्रीज कर देती है। इस बात को समझो, ठीक। जैसे और देखो, लस्सी पीते हो तुम, लस्सी, छाछ 10 रुपए में आता था आधा लीटर, और अब जाओगे तो 10 रुपए में मिलेगा, आधा लीटर था, अब 400 ml मिलेगी। तो रुपए 10, लेकिन वस्तु क्या हो गई, कम मिल रही है, और 500 लेना है तो पूरा 12 रुपया दे के आओ, समझ रहे हो? तो ये चीज है, इस बात को समझना। सरल शब्दों में, वस्तु की मांग बढ़ने पर उसी वस्तु की मात्रा के सापेक्ष पूर्ति न बढ़ने से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। यह वृद्धि दीर्घावधि में तक बनी रहे तो यह स्थिति क्या कहलाती है, इन्फ्लेशन कहलाती है। दीर्घावस्थी का मतलब समझो, कोई करंट तत्कालिक कारण ना हो, समझो बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, दिस दैट, कोई तत्कालिक कारण, उसके बाद फिर चीजें नॉर्मल है, कोई तत्कालिक कारण है, बात समझ में आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो नॉर्मल बाजार में भी चीजें आप देख रहे हैं, किस तरह से अब पैसे हमें ज्यादा देने पड़ रहे हैं और वस्तु कम मिल रही है, तो ये इन्फ्लेशन की स्थिति होती है। अब समझो मुद्रा स्फीति के कारण, बेसिकली इसके कुल 4 कारण हैं, और एक एक कारण पर अच्छे से बात करेंगे। मुद्रा स्फीति के कुल 4 कारण हैं। पहला कारण क्या है? पहला कारण है मांग प्रेरित स्थिति, डिमांड पुल, मतलब मांग ज्यादा है और पुष्ट इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं। और दूसरा क्या है? पूर्ति में मांग, लैक ऑफ सप्लाई, ठीक है, पूर्ति में कमी। दूसरा है पूर्ति में कमी, आपूर्ति नहीं हो पा रही है, वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, डिमांड है लेकिन पीछे सप्लाई ही नहीं है। देखो, तीसरा लागत प्रेरित स्फीति,
लागत प्रेरित स्फीति, इसको हम बोलते हैं कॉस्टफुल, या इसको हम बोलते हैं पुष्ट, इसको भी हम बोलते हैं पुष्ट इन्फ्लेशन। और चौथा है वैश्विक कारण, ग्लोबल कारण, ठीक है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मांग प्रेरित स्फीति पर, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल, या इसको हम बोलते हैं पुष्ट इन्फ्लेशन। ये क्या होता है पुष्ट इन्फ्लेशन, क्या होता है मांग प्रेरित स्फीति, आइए इस बात को समझते हैं। देखो जैसा कि नाम से तुम समझ पा रहे हो, मांगना मतलब आवश्यकता ज्यादा है, आवश्यकता ज्यादा है चीज की, इस बात को समझो। देखो इसका मतलब पीछे से सप्लाई क्या है, वाइस वर्सा है, दोनों एक ही सिक्के के आलू पालू हैं। मांग ज्यादा है का मतलब समझ रहे हो, जैसे देखो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, तुम समझ पाओगे। गर्मी का समय है, क्या चीज का डिमांड ज्यादा होगा, हाँ पानी का डिमांड ज्यादा होगा, कोल्ड ड्रिंक का डिमांड ज्यादा होगा, लिक्विड चीजों का डिमांड ज्यादा होगा, फैन का डिमांड ज्यादा होगा, एसी का डिमांड ज्यादा होगा। क्या है, गर्मी है कि नहीं, तो इसका मतलब आप देखोगे कि गर्मी में जो है कुछ स्पेसिफिक वस्तुओं की मांग बढ़ गई है। सर्दी में चलो हीटर का डिमांड ज्यादा होगा, समझो हीटर का डिमांड ज्यादा होगा, मीट स्पेशली का डिमांड बढ़ा होगा। सर्दी में बॉडी को गर्म करना है, हीट चाहिए, तो लोग मीट मांस खाने वाले ज्यादा खाते हैं। आप देखो कि एक पट, अब बारिश का समय है, छाता का डिमांड ज्यादा होगा, मेरी बात समझ पा रहे हो, अम्ब्रेला जिसको बोलते हो तुम। तो इसका मतलब कि हमने देखा कि कुछ वस्तुओं की मांग अचानक से बढ़ जाती है, मांग ज्यादा हो गई। क्यों मांग ज्यादा होगी, मैंने कारण बताया, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई अभी देखो क्लोरोक्वीन, ठीक है, कि मांग बढ़ गई थी, कैसे मांग बढ़ गई आप इस बात को समझो, दवाई तो मलेरिया की थी, यूज किसने किया, कोरोना में किया, मांग बढ़ी, मांग बढ़ जाना। अब वैक्सीन बना है, मान लो रशिया कह रहा है कि हमने वैक्सीन बना लिया, अगर वह मानक पे तय आया तो मार्केट में फिर क्या होगी, उसकी मांग बढ़ जाए, 1 करोड़ तो हम ही मांग रहे हैं, 1 करोड़ वैक्सीन हमें लाके दो पहले, तो है कि नहीं। तो देखो वस्तु की पूर्ति की तुलना में उसकी मांग अधिक होने के कारण वस्तु के मूल्य में होने वाली मांग जन्य वृद्धि यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाती है। आपको और बताओ, जैसे और एग्जांपल ले लो, ये देखो मास्क लागत कॉस्ट कितने रुपए होगी, 1 रुपया 2 रुपया, कितने में रहा है 10 रुपए में, मार्केट में, खुदरा मार्केट, डिमांड है भाई, अपनी सुरक्षा के लिए दुकान के चलना पड़ेगा। यही बात बता रहा था, कीमतें बढ़ने की वजह से मांग का अत्यधिक बढ़ना हो सकता है, अत्यधिक ही तो बढ़ गया, 2 रुपए की चीज 10 से मिल रही है। एक अर्थव्यवस्था मांग से अधिक वृद्धि का अनुभव कर सकती है जब जनसंख्या में वृद्धि होती है, जब उच्च दर का निवेश होता है जो कि कैपिटल गुड्स की मांग है, या फिर जब सरकारी खर्चे में वृद्धि होती है और जब काला धन भी बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान रखना, मेरी बात समझ पा रहे हो। अब आओ दूसरा देखो, मांग वाला समझ में आ गया तो दूसरा देखो, पूर्ति में कमी के कारण। देखो मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी, देख रहे हो, अभी हमने पहला कारण क्या बताया, मांग ज्यादा है, मांग ज्यादा है का मतलब सप्लाई पूरी है, सप्लाई पूरी है लेकिन मांग अधिक है, मेरी बात समझ पा रहे हो। तो दबाव बना हुआ कि नहीं बना हुआ है, ये सपोज करो कि आप दुकान पे गए, ठीक, आप दुकान पे गए और नमक ले लिए, और सुबह से हर बंदा आ रहा है, और नमक कितना लोगे, 1/2 किलो 1 किलो, और मान लो आप कह रहे हो कि हाँ हमें नमक 2 किलो चाहिए, अगला कह रहा है कि मुझे 5 किलो चाहिए, अगला कह रहा है कि मुझे 7 किलो चाहिए, अगला कह रहा है मुझे 8 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए। दुकान वाले को लगा यार नमक तो पूरा गोदाम में भरा पड़ा है और सुबह से शाम तक नमक की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसका मतलब तुम देखोगे नमक का रेट बढ़ जाएगा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये है मांग, समझ रहे हो, गोदाम में नमक नमक भरा है, समुद्री महासागर में लवण ही लवण भरा है, नमक की कोई कमी नहीं है, जितना नमक चाहो ले आओ, जित पड़ा पहाड़ पड़ा हुआ है नमक के, नमक के पहाड़ ही पहाड़ हैं, कितना नमक खाओगे, खा सकते हो तो खाओ, लेकिन देखो अगर ऐसी स्थिति होती है मांग बढ़ी तो क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो इन्फ्लेशन आ जाएगा। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं पूर्ति की, एक निश्चित समय पर
एक निश्चित कीमत पर उत्पादक एवं विक्रेताओं के द्वारा बाजार में प्रस्तुत किए जाने वाले वस्तुओं की मात्रा पूर्ति कहलाती है। अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन होता है वह संपूर्ण मात्रा बाजार में नहीं बेची जाती, बल्कि लोग उसका कुछ हिस्सा स्व उपभोग यानी सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी रख लेते हैं। अर्थात टोटल प्रोडक्शन माइनस सेल्फ कंजम्पशन इज इक्वल टू सप्लाई। अब इस बात को समझो, जैसे होता क्या है बेसिकली, सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझो। मैंने चावल की खेती की, 100 बीघे में चावल हमने उपजाए। अब 100 बीघे में चावल मैंने उपजाए, मेरा परिवार बड़ा है, मुझे साल भर चावल खाना है। तो चावल होने के बाद जितना भी चावल हुआ, मैंने 10 कुंटल चावल अपने घर के लिए रख लिया, भाई 10 कुंटल चावल मेरे परिवार के लिए, और बाकी जो चावल बचा वह चावल मैं क्या करूंगा, बेच दूंगा। उसी बात को कह रहा है, कोई नई बात नहीं है। उसको कह रहा है कि जो टोटल प्रोडक्शन है, जो कुल उत्पादन किए हो, उसमें से सेल्फ कंजम्पशन जो तुम खाओगे उसको माइनस करो, और इसके बाद जो बचेगा वह क्या होता है, सप्लाई होता है। क्योंकि आदमी पहले अपना पेट भरता है, पापी पेट का सवाल है, पहले क्या करोगे, पेट भरोगे, खुद खाओगे, और तब उसके बाद बचेगा तो दूसरे को खिलाओगे। यही नियम है, खुद खाओ और फिर दूसरे को खिलाओ। सप्लाई कब होगी, पानी की एक गिलास आई और तुम्हारे पास आई और तुम बहुत ज्यादा प्यासे हो, तुम क्या करोगे, दूसरे को पानी पिलाने जाओगे। अरे भैया तुम बचे रहोगे तभी तो, पहले तुम खुद पानी पी लो, फिर चलो देखो दे दूसरे के लिए। देखो ये है, ये अर्थव्यवस्था के सामान्य नियम है। तुम अपने कंजम्पशन को पहले पूरा करो, अपनी जरूरतों को पहले पूरा करो। जरूरत पूरा हो गया तभी तो सप्लाई होगा, जरूरत ही नहीं पूरी हो पा रही है तो सप्लाई बंद है, सप्लाई नहीं है। समझो इस बात को, तो ये बात ध्यान रखना। अगर जितना कंजम्पशन है अगर उतना ही प्रोडक्शन है तो सत्यानाश, सप्लाई के नाम पर कुछ बचेगा नहीं। समझ में आई बात? अब देखो इस बात को, अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन होता है वह संपूर्ण मात्रा बाजार में नहीं बेची जाती, बल्कि कुछ हिस्सा स्व उपभोग के बाद क्या होता है, अपने पास रख लिया जाता है, और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है। अब इस बात को समझो, अगर ये तो तुम्हें सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा, जैसे सप्लाई नहीं है, वैक्सीन की सप्लाई नहीं है और मांग है, और मान लो मैं कहता हूं कि एक वैक्सीन 100 रुपए की कीमत में तैयार हो रही है और उसको मार्केट में 120 रुपए में बेचना है, और मैं कह रहा हूं कि अगर उस वैक्सीन को मैं 1200 रुपए मार्केट में लेके आऊं तो यहां ताता लग जाएगा, लाइन लग जाएगा मांगने वालों की। अरे 1200 में मुझे मत दो, 1500 में दे दो भैया, मुझे 2000 में दे दो। जिनके पास पैसा ज्यादा है वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे पहले मैं जीवित रह लूं, पहले मुझे वैक्सीन मिल जाए। समझो इस बात को, नीडेड को नहीं मिलेगा। जिसके पास पैसा ज्यादा है उसको मार्केट में देख रहे हो, मांग सप्लाई के आधार पर देखो, सप्लाई कम है। अरे अभी देखो कोरोना काल में क्या हुआ, गवर्नमेंट शराब पर क्या किया, बंद कर दी दुकानें, सारी दुकानें बंद हैं तो शराब की दुकानें बंद रहेगी। शराबें बिकी हैं पीछे से, खूब ब्लैक में पीने वाले खूब पिए हैं दबा दबा कर। कैसे, ज्यादा पैसा दिए हैं, ब्लैक रास्ते से आया है। समझो इस बात को, कच्ची शराबें बिकी हैं, समझो इस बात को। तो कहने का यह मतलब है कि इस बात को समझना, जब जब सप्लाई कम होगी तो आप देखो कई लोगों को चीजें चाहिए लेकिन सबको नहीं मिल पाएगा, तो जिसके पास पैसा होगा वह क्या होगा, अर्थव्यवस्था पर हावी होगा, और वह क्या करेगा, यहां पर इन्फ्लेशन ले आएगा, लाएगा कि नहीं लाएगा। अब देखो, लागत में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति। अब इस बात को समझ लो, बेसिकली समझो लागत में वृद्धि कैसे हो गई। जैसे मान लो मैं कोई चीज होममेड तैयार करना शुरू किया, और होममेड तैयार कर रहा हूं, बड़े स्तर पर तैयार नहीं कर रहा हूं, छोटे स्तर पे मैं तैयार कर रहा हूं। सपोज करो कि मुझे जो है लड्डू बनाना है, मैं बेसन लेके आया, मैं चीनी लेके आया, मैं घी लेके आया, मैं सिलेंडर लेके आया, मैंने एक टेम्प्रोरी जो है स्टाफ भी रखा और लड्डू बनवाया। समझो बढ़िया से लड्डू, अच्छे क्वालिटी के लड्डू बनवाया, लेकिन जब मैंने कॉस्टिंग जोड़ी, देखो लड्डू मुझे बनवाना था, कितना लड्डू मुझे बनवाना है, 5 किलो लड्डू और चीनी मिली 50 रुपए किलो, 2 किलो चीनी लेके आया, 100 रुपए की चीनी हो गई। बेसन मिला 60 रुपए किलो, 2 किलो बेसन लेके आया तो हो गया 2 किलो बेसन। हाँ लो, अब मुझे नहीं पता कि कितना चीनी में कितना बेसन पड़ता, मैं कोई लड्डू तो बनाता नहीं, एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ, घी लेके आया,
250 ग्राम 800 रुपए किलो घी है, 200 रुपए का घी। अब इस बात को समझो, पैसे मेरे कितने लग गए, कितने लग गए भैया, रुको पैसा लगा पहले जोड़ ले, हिसाब किताब में गड़बड़ी हो जाएगा। देखो क्या क्या हमने किया, क्या बनाना चाहते हो, लड्डू बनाना चाहते हैं, लड्डू बनाना चाहते हो, ये बन जाएगा लड्डू। क्या चाहिए इसमें, चीनी चाहिए मान लो, और क्या चाहिए, बेसन चाहिए मान लो, और क्या चाहिए, घी चाहिए, और क्या चाहिए मान लो, और क्या चाहिए, अरे भाई सिलेंडर मान लो घर का ही है, और कारीगर चाहिए, कारीगर चाहिए। चीनी 2 किलो, बेसन, बेसन 2 किलो, घी 250 ग्राम, कारीगर 500 रुपया। अब देखो क्या हुआ, 2 किलो चीनी एट द रेट ऑफ 50 रुपए किलो, 100 रुपए की चीनी, 2 किलो बेसन 60 रुपए किलो, 120 रुपए का, 250 ग्राम एट द रेट ऑफ द 800 रुपए पर केजी मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 200 रुपए का टोटल। अगर मैं जोड़ दूं 5, 2, 7, 1, 8, 1, 9, 920 रुपए में 5 केजी हमने तैयार किया, 920 रुपए में 5 केजी, यानी 1 केजी का रेट देखो। और अभी 920 क्यों, उसमें सिलेंडर लगा होगा, अन्य साधन लगेंगे, उसके बर्तन में लाया होगा किराए पे, जो भी है। अब इसको देखो कितने रुपए में पड़ा भैया, ये 5 से करो, 5 एक कम 5, यहां कितना हो जाएगा, 5 8 5 8 40 और 5 चौका 20, 144 रुपए, 184 रुपए पर केजी के हिसाब से मैंने लड्डू तैयार किया, होममेड लड्डू, एकदम बढ़िया देसी घी शुद्ध, एकदम बढ़िया बेसन, अच्छा ताजा क्वालिटी वाला। अब तुम ये कहोगे, अरे बेसन तो 60 रुपए किलो, कहां बेसन मिलता है, चलो यार जो जितने मिलता है मान लो। अब सपोज करो मार्केट में 100 रुपए किलो लड्डू मिल रहा है, या मार्केट में 150 रुपए किलो लड्डू मिल रहा है, लेकिन मेरा लड्डू कितने रुपए किलो में तैयार हुआ, 184 में। अब मान लो मुझे ये लड्डू बेचना है, तो मैं इस लड्डू को 200 रुपए किलो में बेचूंगा, अरे भाई 184 अभी गैस का जोड़ा नहीं हूं, बेसन का भी रेट कमी लगा है, मान लो मुझे कहीं से 60 में मिल गया था, लेकिन अगर मैं 200 रुपए में बेचूंगा तब तो मुझे क्या मिलेगा, 14। लेकिन मार्केट में अगर कोई 150 में बेच रहा है तब क्या होगा, फंस गया ना मैं, 150 में मार्केट बिक रहा है, लेकिन मेरा क्या हुआ, 184 में तैयार हुआ, लागत मूल्य क्या बोलते हैं, लागत में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई। अब तुम सोचोगे लागत में वृद्धि कैसे हुई, अरे ये कारीगर को देखो ना यार, 5 किलो लड्डू बनाने के लिए कारीगर बनाने की क्या जरूरत थी, आपको 100 किलो लड्डू बनाना होता तो कारीगर को बुलाते, वो 500 ही लेगा, बोले भैया मैं आऊंगा, मैं 500 रुपया लूंगा, तुम्हें जितना काम करवाना है करवा लेना, समझ रहे हो, लागत कई तरह से बढ़ जाती है। जब हम कोई छोटा प्रोजेक्ट करते हैं तो लागत कई तरह से बढ़ जाती है, जैसे होलसेल में समझो, जिस चीनी को तुम मान लो 50 रुपए किलो खरीद रहे हो, होलसेल में खरीदोगे तो 45 रुपए ही पड़ी, तो 5 रुपया वहां लागत कम हुआ कि नहीं हुआ, तो लागत में वृद्धि होने से क्या होगा, अब मेरे पास कोई आएगा तो मैं उसको 184 में ही रेट टू रेट अगर दूंगा तो 184 में या 2-4 रुपए फायदा कमाऊंगा तो जो है 190 में दे दूंगा, और किसी को 100 रुपए में पड़ी तो 120 से बेचे, 150 में, उसका तो फायदा ही है, लेकिन वो मुझसे सस्ता ही बेच रहा है, समझ मेरी बात। तो किस तरह से लागत का इन्फ्लेशन है आपने यहां पर देखा, लागत वृद्धि के कारण क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। अब जब भी मैं 5 किलो बनाऊंगा तो मेरा ये रेट पड़ जाएगा, बात समझ में आई। अब देखो पॉइंट क्लियर, चलो बहुत अच्छे, तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हो, आओ अगला समझो, वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति, वैश्विक कारण से मुद्रास्फीति को कैसे समझोगे, ग्लोबलाइजेशन का समय है, विश्व में अलग अलग तरह के संकट होते हैं, उन संकट का हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है, समझो इस बात को बहुत अच्छे से, तुम्हें एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा और तुम इसको समझ पाओगे। बेसिकली है क्या, जरा इस बात को हम समझो, देखो आज के समय में पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ गया है, हम एक विश्व परिवार के हिस्से बन चुके हैं। अब ये मत सोचो कि मैं गाँव का हूं, मैं शहर का हूं, मैं इस राज्य का हूं, मैं इस देश का हूं, अब तुम सोचो कि मैं इस पृथ्वी का हूं। अच्छा बताओ तुम इस पृथ्वी पर पृथ्वी के रहने वाले निवासी हो कि नहीं, हो तो तुम विश्व के पार्ट हो, क्योंकि विश्व किसको कहते हैं, जो इस पृथ्वी पर क्या करता है, अपनी जीविका के लिए
जीवित है, जो जिसका जीवन पृथ्वी पर है वह वैश्विक हो गया, वह विश्व का हो गया। तुम कहीं किसी गांव के नहीं रहे, किसी शहर के नहीं रहे, किसी राज्य के नहीं रहे, किसी देश के नहीं रहे, तुम इस विश्व के पार्ट हो कि नहीं हो, तो तुम्हारे ऊपर विश्व की अर्थव्यवस्था का इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, जब तुम पार्ट हो तो पड़ेगा। अच्छा बताओ, नेट पूरा ग्लोबलाइजेशन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है कि नहीं है? तंत्र जाल है कि नहीं है? बताओ, है, बिल्कुल कहोगे है। अब ऐसे समझो यार, देखो पहले, कोई भी अर्थव्यवस्था जितनी अधिक खुली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ती है, विश्व के अन्य देशों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं तथा आर्थिक विकास संबंधी व्यवहार का प्रभाव उस देश की अर्थव्यवस्था पर उतना ही अधिक पड़ता है। इस बात को समझो, विश्व की अर्थव्यवस्था का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा तुम समझो? जब रक्षाबंधन अभी बीता है, जब रक्षाबंधन पर राखी चाहिए तो तुम्हारी राखी कौन भेजता है? चाइना तुम्हारे लिए राखी भेजता है, समझो। अब तुम ये खुश मत होना कि चाइना से राखी आया है, चाइना तुम्हारी बहन है, तुम्हारे लिए राखी भेज दिया कि आओ भैया हम तुम्हारे लिए राखी भेज रहे हैं, तुम बांध लो। नहीं, व्यापार है, ट्रेड है, अपने यहां का चीज बना के तुम्हारे यहां भेज रहा है, मुनाफा कमा रहा है, पैसा खा रहा है, समझो इस बात को। रुको, और बता रहा हूं। अब ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिसमें चाइना का हाथ है, अन्य कंट्रियों का हाथ है, बहुत सारी चीजें अलग अलग कंट्रियों से आती हैं। लेकिन अगर वहां पर इन्फ्लेशन हुआ तो जो चीजें आ रही उसकी कीमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और हम डिपेंड हो गए उन पर, समझो इस बात को। बच्चों को खिलौने चाहिए मेड इन चाइना, उठा के देख लो, किसी भी दुकान में चले जाओ, 99% खिलौने मेड इन चाइना। कोई भी प्रोडक्ट तुमको चाहिए, एक देश की अर्थव्यवस्था पर दूसरे देश की अर्थव्यवस्था क्या कर रही है, उस पर खाबी हो जा रही है, एकदम हाबी, समझो। इसीलिए तो कहा जाता है स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, समझो। देखो उदारीकरण आया है, बाहर की कंपनियां हमारे देश में बैठी हुई हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश में बैठी हुई हैं। और फिर अब तुम सोचोगे हिंदुस्तान यूनिलीवर भारत की कंपनी है, अरे नाम रख लिया है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तुम सोचोगे पीटर इंग्लैंड बाहर की कंपनी, अरे नाम बदल लिया, पीटर इंग्लैंड नाम रख लिया। बताओ, भारतीय कंपनी है, भारतीय नाम रखते कम से कम लोग समझते तो, लेकिन नाम रखा विदेशी, क्योंकि तुम्हारा चस्का लग गया है, तुम्हें विदेश का चाहिए, एक्सपोर्टेड आइटम तुम्हें चाहिए, तुम्हें देखना है कि मेरी जो शर्ट है यह इंडिया की नहीं है, यह विदेश से आई है। अरे तुम कौन से टाटा बिरला हो, तुम्हारे लिए विदेश से शर्ट आएगी, तुम समझो, यही बनती है। लेकिन पैसा कहां चला जाता है, विदेश, समझो। मुनाफा कहां चला गया, विदेश, समझो इस बात को। और तुम भारत की अर्थव्यवस्था में शामिल लोगों के विश्व की अर्थव्यवस्था में शामिल हुए कि नहीं हुए? मैं तुमको ये बताना चाह रहा था कि पूरा जो विश्व है वह एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है, समझे, देश की नीतियों की वजह से, समझो इस बात को। और जितना जो खुला अर्थव्यवस्था है, जहां जितना कम रोका टोकी है उतना ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे समझो तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति मान लो अमेरिका में जॉब करता है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था ध्वस्त तो तुम्हारे घर की भी अर्थव्यवस्था ध्वस्त, क्योंकि तुम्हारे घर में पैसा का सोर्स कहां था, अमेरिका था। अमेरिका ने कहा नहीं, हम भारतीयों को नौकरी नहीं देंगे, पहले हम अपने देश के लोगों को देंगे, प्रवासियों को नहीं देंगे। अब तुम क्या करोगे, तुम लौट के आओगे? अब तुम्हारी अर्थव्यवस्था तो गई, तो तुम्हारी अर्थव्यवस्था गई मतलब राष्ट्र की अर्थव्यवस्था चली गई, क्योंकि तुम्हारे पास साधन नहीं, समझ रहे हो बात को? तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। जीवन जीने के लिए व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ निर्गत होता है, वह देश में एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, वह देश में विदेश में जा सकता है, तो एक तरीके से नहीं, अन्य कई तरह से हम क्या करते हैं, हम विश्व की अर्थव्यवस्था से एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, यही बात मैं तुमको बता रहा था। तो कोई भी अर्थव्यवस्था जितनी ही अधिक खुली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ती है, वो अन्य देशों में होने वाले आर्थिक क्रियाकलापों तथा आर्थिक विकास संबंधी व्यवहार का प्रभाव उस देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था पर उतना ही पड़ता है। अब इस बात को समझो, हम बात कर रहे हैं कि अगर वैश्विक कारणों में मुद्रास्फीति जो होती है, तो अगर विश्व की अर्थव्यवस्था नीचे जाती है
तो हमारी भी अर्थव्यवस्था नीचे जाएगी, विश्व की अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी तो हमारी भी अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी। आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। जैसे मान लो कोई भारत की कंपनी है, उसने अपना पैसा यहाँ पे भी लगाया है और उससे फॉरेन जगह में भी लगाया है, और आप शेयर मार्केट के साथ उसके साथ जुड़े हैं, तो अगर उसकी कंपनी वहां पर इफेक्ट हो रही है फॉरेन में, तो आपके शेयर की वैल्यू क्या होती, कम होती। तो आप देख सकते हैं कि मतलब एक तरीका हो, तब तो समझा जाए, समझ गए, मतलब हम विश्व से जुड़े हैं कि नहीं, समझ गए कि नहीं, पृथ्वी पर है, यहाँ पर जीवन जीने की सारी वस्तुएं उपयोग कर रहे हैं, यानी हम विश्व से क्या है, जुड़ चुके हैं। पकड़ में आगे बात। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजें हैं, देखो इसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। इसमें एक दो एग्जांपल हमने यहां पर दिया हुआ, जैसे कि यूरो संकट का दिया हुआ है, सब प्राइम क्राइसिस का दिया हुआ है। यूरो संकट को पहले तो मैं समझाता हूं कि क्या है। बेसिकली यूरो संकट जो है, जो यूरोपीय कुछ कई सारे कंट्री हैं, आप ये देखोगे 2009-10 की बात है, ठीक, और वैश्विक आर्थिक मंदी हुई है, ठीक है, और सब लोगों ने कर्ज के रूप में यूरो को अपनाया है, और इस तरह से आप देखेंगे हांगकांग देखो पूरा बर्बाद हो गया, पूरा बर्बाद हो गया है। मेरी बात समझ पा रहे हो? जिम्बाब्वे को देख लो, जिम्बाब्वे, तो आप देखेंगे कि जो ये यूरोपियन कंट्री थे, इन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक मुद्रा इन्होंने ली, और क्या हुआ, देखो अब एक बात समझो, तुम्हारे देश की मुद्रा चल नहीं रही है, तुम्हारे पास जो है संसाधन समाप्त हो रहे हैं, तुम्हारे पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है, तुम कर्ज में डूबते चले जा रहे हो। और इस तरह से आप देखेंगे कि यूरोपियन कंट्री के लगभग 18 देश इस तरह से क्या हो गए, एक दूसरे से क्या हुए, ये जो है मतलब ग्लोबलाइजेशन के तहत ये क्या हुए, ये नष्ट होते जा रहे हैं। इस बात को समझो, यूरो संकट अभी तक हावी है, पढ़ना इसको अच्छे से। अरे अमेरिका का सब प्राइम संकट, ऐसे ही अमेरिका का सब प्राइम संकट। सब प्राइम संकट क्या है, चलो इस पे भी थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूं, ध्यान सुनना। देखो अमेरिका के लोग, मोटी मोटी बात बताता हूं जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अमेरिका के लोगों ने क्या काम किया, बोला यार क्यों ना हम अपने देश के हर व्यक्ति को एक बेहतर जीवन जीने की बात करें। बोला करो, कैसे करोगे, बोला सब लोगों को बढ़िया खाना मिले। सही बात है, आंख खोला और खूब अच्छा अच्छा चीज कंजम्पशन कर जाओ, खा जाओ सबको, और बढ़िया रहने का मकान हो, आलीशान मकान हो, एकदम आकाश में रहो, बनाओ बिल्डिंग्स। बोला सही है, और बोला और सबके पास गाड़ी हो, अरे भाई बंगला हो, गाड़ी हो, भोजन हो गए ना विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। बोला यार अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, बोला यार हम ये काम कर सकते हैं कि आदमी अपने जीवन जीने के लिए तो कुछ ना कुछ करके कमाई लेता है, खाई लेता है, तो भोजन वाली प्रायोरिटी को हम लोग बाद में देखते हैं। फिर बोला कार लोन बहुत सस्ते हैं, लोग कार खरीद रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोला फिर बोला घर, घर जो है खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, तो वो हिम्मत हम जुटा देते हैं। बोला फिर क्या करोगे, बोला सबको घर दो। बोला सबको कैसे घर दे दोगे, अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। बोला नहीं यार, घर सबको मत दो, घर देने का रास्ता आसान करो। अब देखो भारत जैसे देश में तुमको लोन चाहिए, तुम बैंकों के चक्कर काट काट के, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट के पागल हो जाओगे, लोन इतनी जल्दी से नहीं मिलता। तुम्हारे पास प्रतिभूति है, तुम्हारे पास पैसा है, फिक्स डिपॉजिट करवा लो, उसके बाद लोन देगा। ये कौन सा लोन है, देखो क्या बेवकूफ बनाता है बैंक, क्या बेवकूफ बनाती है सरकार, आपको समझना पड़ेगा कैसे तुम फंसे पड़े हो। अच्छा ये अर्थव्यवस्था के लिए प्लस पॉइंट भी है, न ज्यादा लोन देंगे न ज्यादा डूबेगा, देश सुरक्षित। अब देखो हुआ क्या, कह रही कि हम लोन दे रहे हैं, अरे भाई सिक्योरिटी में क्या है, सोना चांदी है, लाओ दो हम देंगे लोन, दुनिया भर के लोन, मुथूट फाइनेंस है, ऐसे बहुत सारे फाइनेंस कंपनी है वेट कर रही है, आओ आओ पैसा ले जाओ। अरे जब तुम मुझसे पैसा लोगे तो उनको पैसा भी दोगे, ब्याज भी दोगे, वो तुम्हारे भरोसे जीवित है, और पैसा भी देना है और ब्याज भी देना है। इस बात को समझो, पैसा भी दिया और ब्याज भी दिया, और तुम्हारा सामान भी है, अगर नहीं दे पाए तो सामान भी जब्त हो गया। अब बताओ समझ नहीं बात, तो वो सिक्योर है, उनको पता है कि वो पैसा आपको देते उनका पैसे में वृद्धि हो जाएगा, आपका वृद्धि होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बैंक लोन दे देगा, तुम उनके पास पेपर रख दो, अपने मकान के पेपर पर रख दो, बैंक लोन दे देगा। समझो दिल्ली जैसे शहरों में मकान लेना बहुत आसान है,
80% लोन, 80% तो फाइनेंस बैंक वाले कर देंगे आपको, 20% दे दो। मान लो अगर तुम्हें कोई मकान 1 करोड़ का तुम मकान लेना चाहते हो तो तुम्हें मात्र 20 लाख रुपए देने हैं, 80 लाख गवर्नमेंट देने के लिए तैयार बैठी है, समझो। तो इस चीज को ऐसे समझो भाई कि अमेरिका जैसे देश में क्या कहता है, भारत में कहता है कि हम तुमको 1 लाख रुपया का तुम सिक्योर दिखाओगे तो हम तुमको 50,000 का लोन दे देंगे। उसको लगेगा कि 1 लाख की सामने वाले की वैल्यू है तो 50,000 देगा लोन, लेकिन अमेरिका जैसे देश में ऐसा नहीं। अमेरिका कहता है अगर तुम्हारे पास 1 लाख की क्षमता है तो हम तुमको 2 लाख का लोन देंगे। अमेरिका क्या मानता है? अमेरिका मानता है कि जो 2 लाख हमने तुमको दिया है, जो 1 लाख तुम्हारे पास तुम्हारी क्षमता के अंतर्गत आता है, तो अब तुम्हारे पास इसकी वैल्यू 3 लाख हो गई। 3 लाख में तुम जो है जाओ बिजनेस करो, जो भी करो, जैसे भी करना है करो। फिर उस 3 लाख में अगर तुम नहीं कर पाओगे तो अगर तुम डुबाओगे तो भी 1 लाख डुबाओगे, यानी 2 लाख मेरा क्या हो जाएगा, मेरे पास वापस आ जाएगा। करेक्ट, ये बात समझ में आ गई। तो अगर 2 लाख मेरे पास वापस आ जाएगा तो भी तो मैं सेफ हूं। तो वहां पर लोन देने की प्रक्रिया भारतीय अर्थव्यवस्था से अलग है। अब क्या हुआ, अब ऐसी स्थिति में उसने वहां पर क्या किया, मकान के लिए लोन के प्रावधान में और जो है ओपन कर दिया, और इस इसकी वजह से वहां के सब लोगों ने सरकार से लोन की मांग की और सब लोगों ने सरकार से पैसा लेना शुरू किया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना शुरू हुआ, रातों रात बिल्डिंगें बननी शुरू हुई। और अब अमेरिका के पास भी कितना पैसा, अरे जब डिमांड बढ़ गया, सबको पैसा मांगे तो पैसा कम हो गया। तो देखो एक चीज समझो, व्यक्ति को बैंक से लोन लेना कठिन प्रक्रिया, बैंक को बैंक से लोन लेना आसान प्रक्रिया, बैंक को ग्लोबल लेवल पर लोन लेना और आसान प्रक्रिया। आप समझो हुआ क्या कि विश्व अमेरिका के बैंक ने विश्व के बैंकों से क्या किया, पैसा लेन देन की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेन की प्रक्रिया है, देन की नहीं हुई है, ध्यान रखना। और बोला भाई भाई, क्योंकि उसे पता है बैंक बैंक को आसानी से पैसा दे देता है, उन्होंने बैंकों से पैसे ले लिए। और इस तरह से विश्व की अर्थव्यवस्था बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से अमेरिका में पहुंच गई। आप समझ में आया कैसे पहुंची? और हो क्या रहा है वहां पर, उस पैसे का हो क्या रहा है? वो पैसा कोई पेड़ तो है नहीं कि वहां पे फल उग रहे हैं, उस पैसे से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, वहां पर काम हो रहा है अच्छे से, बिल्डिंगें बन रही हैं, लोगों को बिल्डिंगें मिल रही, लोग उसका पैसा दे रहे हैं। लोगों के पास पैसा कहां से जा रहा है, विश्व का पैसा जा रहा है। अब भाई पैसा आ गया, लेकिन अब बिल्डिंगें भी बन गई, लेकिन अब पैसा चाहिए भी तो गवर्नमेंट को। जब पैसा चाहिए तो क्या करेगी गवर्नमेंट, मांगेगी, बोलेगी लाओ हमारा पैसा ले आओ। तब क्या होगा, अब जब पैसा आप मांग रहे हैं, अब किसी के पास क्या इनकम बढ़ा, क्या आर्थिक आधार बढ़ा, क्या किसी की जेब में ज्यादा पैसे आए? नहीं आए। फिर क्या हुआ, अरे फिर तो बवाल मच गया है। अब गवर्नमेंट को है कि मैं पैसा निकलवा लूं, मैं पैसा निकलवा लूं, मैं पैसा निकलवा लूं, और किसी के जेब में अर्थ अर्थ जैसे मान लो किसी के पास, मान लो कि सपोज करो किसी की आमदनी $100 की है, तो उसकी आमदनी तो बढ़ी नहीं, तो कहां से पैसा दे देगा, एक आध किस्त वालों दे दिया होगा। फिर अब गवर्नमेंट के पास दूसरा विकल्प, गवर्नमेंट ने सख्त नियम किए कि नहीं पैसा देना पड़ेगा, और नहीं दोगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी को हम जब्त कर लेंगे, समझे। अब मरता क्या ना करता, पब्लिक ने सोचा यार ये रोज रोज के आर्थिक दबाव में, रोज रोज बैंकों के फोन के चक्कर में, रोज रोज अपनी जीवन दिनचर्या को हम क्यों खराब करें, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, चलो लौटा देते हैं। अरे क्या लौटाओगे, पैसा तुम्हारे पास नहीं, तुम लौटाओगे क्या? बोले प्रॉपर्टी लौटा दो ना यार, बाद में जहां जहां रहते थे वहीं पे लौट चलो। अब ये किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, क्योंकि किसी के आर्थिक आधार में वृद्धि नहीं हुई है तो उन सबकी समस्या है, ये पूरे देश की समस्या है, पूरे अमेरिका की समस्या है। और फिर तुम सोचो क्या हुआ होगा, सोचो क्या हुआ होगा। हाँ सही सोच रहे हो, सब लोगों ने भैया सरकार को ये पकड़ो ये पकड़ो ये पकड़ो पकड़ो, और सब लोग खाली करके चलने लगे। अब एक बात बताओ, सब लोग खाली कर रहे हैं, सरकार से तो फ्री हुए, लेकिन उसको लेगा कौन, बिल्डिंगें बनी हुई है उसमें रहेगा कौन, उसका पैसा कौन देगा, समझ रहे हो। तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से मान लो कोई फ्लैट, जो फ्लैट 1 करोड़ का था, जिस
की कीमत मान लो 100 लाख है रुपए में समझ लो इसको, तो उसकी कीमत घट करके 50 लाख पे आ गई, 50 से घट के 25 लाख पे आ गई, 25 से घट करके 5 लाख पे आ गई, 5 लाख पे आ करके अब सोचो जिस चीज की कीमत 100 लाख, 100 लाख है वो कहां पे आके गिर पड़ा, 5 लाख पे। अर्थव्यवस्था क्या हो गई, टूट गई। बैंकों ने 100 रुपए दिए थे, अब उनको मिले 5 रुपए, क्या करोगे तुम, बर्बाद हो जाओगे। दैट इज कॉल्ड द सब प्राइम क्राइसिस। इसको क्या बोलते हो, सब प्राइम क्राइसिस। तो अब इस तरह से देखो, यानी ग्लोबलाइजेशन से जो है, इसीलिए बड़ी जो है समझ करके जो मौद्रिक नीतियां बनती हैं, बड़ी सोच समझ के बनती हैं, जो पैसे का हिसाब किताब होता है वो बड़ा सोच समझ के होता है। नहीं तो तुमको दिखाया कि विश्व की अर्थव्यवस्था बैठे बैठे कैसे अमेरिका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को धराशायी करने में लग गया, समझो इस बात को। तो ये जो संकट आप देख रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया यूरो संकट है, अमेरिका का सब प्राइम संकट है, तो ये सब जो है इन कारणों से भी क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो आपके पास जो है आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम जुड़े हुए होते हैं। मुद्रास्फीति के प्रकार इसको समझो, बेसिकली मुद्रास्फीति को आप यहां पर समझने के लिए पहली बात समझो, दौड़ती हुई अति मुद्रास्फीति, इसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर शब्द याद रखना, हाइपर इन्फ्लेशन इसको हम बोलते हैं दौड़ती हुई अति मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति की दर इतनी अधिक हो कि प्रचलित मुद्रा से लोगों का विश्वास उठने लगे, ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं मुद्रास्फीति की दरें 4 या 5 अंक की होती हैं। जिम्बाब्वे को देख लो, अभी मैं इसका जिक्र भी कर रहा था, यूरो संकट को देख लो, समझ में आ जाएगा तुम्हारे पास, एकदम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जब मुद्रास्फीति की दर इतनी अधिक हो जाए कि प्रचलित मुद्रा से लोगों का विश्वास उठने लगे, तो क्या हो जाएगा, इस बात को समझो। प्रचलित मुद्रा से, जैसे सपोज करो तुम कहते हो कि 10 रुपए, 10 रुपए में हम, 10 रुपए में हम छाछ की पैकेट, आधा किलो का पैकेट लेके आते हैं। अब मान लो वह छाछ का पैकेट 50 रुपए में, 100 रुपए में, 200 रुपए में, 200 रुपए में छाछ का पैकेट मिल रहा है, समझ रहे हो, 200 रुपया दो छाछ का पैकेट ले जाओ, तो अब इस मुद्रा से क्या हो जाएगा, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तुम कहोगे डॉलर, बोला 1 डॉलर में ले जाओ, 1 डॉलर में तुम्हें मिल जाएगी लस्सी, तो तुम्हारा विश्वास किस पे बढ़ेगा, डॉलर पे बढ़ जाएगा, न कि रुपए पे, समझ में आई बात। तो ये समस्या है मंद मुद्रा स्फीति, समझो। अब इसको हम बोलते हैं क्रिपिंग, क्रिपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है इसको समझो। जब मुद्रा स्फीति में वृद्धि दर इतनी मंद हो कि दीर्घावधि में थोड़ा ही परिवर्तन आए, तो यह स्थिति मंद मुद्रास्फीति कहलाती है, और ऐसी स्थिति विकसित देशों में होती है। इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा। मुद्रा स्फीति की वृद्धि की दर इतनी मंद हो कि दीर्घकाल में थोड़ा ही परिवर्तन आए, समझे, मतलब आप इस बात को समझो। जैसे मान लो जितनी चीजें तुम 100 रुपए में खरीद रहे हो, और पूरे साल में मान लो 101 रुपए में भी तुमको उतनी, 1 साल बीत गया लेकिन 101 में मिल रहा है, 2 साल बीत गया लेकिन 101 रुपए मिल रहा है, या 101 रुपए, 102 रुपए मिल रहा है, समझ रहे हो, बहुत धीरे 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 जो है स्फीति बढ़ रही है, मतलब जैसा पहले साल था वैसा अभी की साल में भी है। तो इसका मतलब ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं मंद मुद्रा स्फीति, बहुत तेजी से ऐसा बात नहीं हुआ तो इसको हम बोलते हैं। और ऐसा कहाँ पर होता है, ऐसी स्थिति किस देश में होती है, डेवलपिंग कंट्री में होती है, विकसित देशों में यह चीज देखने को मिलती है। यानी इसका मतलब समझो, अगर इन्फ्लेशन रेट कम है तो आप कहीं ना कहीं विकसित देश की भी तरफ बढ़ रहे हो, इस बात को लिंक करके चलना। रेंगती या जलती मुद्रा स्फीति, इस बात को समझो, या हाइपर इन्फ्लेशन इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम क्रिपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं, इस बात को समझना। इसको हम बोलते हैं नहीं, इसको हम बोलते हैं गैलोपिंग, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेंगती या जलती हुई, रेंगना ऐसे ऐसे, जलना ऐसे ऐसे, रेंगती या जलती मुद्रा स्फीति इसको समझो। देखो दो तरह की स्थिति होती है, एक हाइपर इन्फ्लेशन होता है, एक होता है क्रिपिंग इन्फ्लेशन। इनके जो बीच की स्थिति होती है, इनके बीच की स्थिति होती है, अभी हमने तुमको बताया दौड़ती हुई अति मुद्रा स्फीति और मंद हाइपर इन्फ्लेशन और क्रिपिंग इन्फ्लेशन, अभी तुम पढ़ चुके हो। तो जो दौड़ती हुई मुद्रा स्फीति है और जो मंद अर्थव्यवस्था मंद मुद्रा स्फीति है, इनके बीच की जो स्थिति होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे रेंगती हुई, न रुकी है न तेज भाग रही है, रेंग रही है या जल रही है, तो इसको ध्यान रखना। इसको बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन, और ऐसी स्थिति मुद्रास्फीति की दर 2 या 3 अंक की ही होती है। अब इस बात को देखो, अगला टर्म देखो, अगला टर्म है तुम्हारे सामने, इसको हम लोग बोलते हैं
सेक्यूफ्लेशन, क्या बोलते हैं, सेक्यूफ्लेशन। सेक्यूफ्लेशन जब जब अर्थव्यवस्था में एक साथ मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन, इस बात को समझो, इंक्रीज और डिक्रीज, इन दोनों टर्म को एक बार ठीक समझ लो। एक टर्म इसमें है मुद्रास्फीति का, एक टर्म है इसमें मुद्रा संकुचन का, एक टर्म है इन्फ्लेशन का, एक है डिंटेलेशन का। तो अगर हम यहां पर मुद्रा स्फीति और मुद्रा संकुचन की बात कर रहे हैं, तो देखो ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं सेक्यूफ्लेशन। क्या कहलाते हैं? सेक्यूफ्लेशन। यानी सेक्यूफ्लेशन में दोनों चीजें होंगी। क्या क्या होंगी? इन्फ्लेशन भी होगा और डिफ्लेशन भी होगा। तो अगर हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों चीजों को एक साथ देखेंगे, यानी ऐसे समझो कि 100 रुपए में मान लो जो है एक, कई बार क्या हो गई कि 100 रुपए की चीज 105 में मिल रही है, कई बार 100 रुपए की चीज क्या मिल रही है, 95 में मिल रही है। इस बात को समझ रहे हो? यानी जिस चीज की कीमत 100 है वह कभी 105 में उतनी वस्तु मिल रही है, जिस चीज की कीमत 100 है कभी वह 90। ये दोनों चीजें जहां पर मिले इसको हम लोग बोलते हैं सेक्विफ्लेशन। समझ में आए? उदाहरण के तौर पर 2009 में ऐसी स्थिति थी जब भारत की बात बताया, जब मुद्रास्फीति की दर ऋणात्मक थी और खाद्यान्न मुद्रास्फीति की दर 8-9% के स्तर पर थी। तो इसमें दोनों चीजें आप देखते रहेंगे, एक तरफ घटने की बात भी है, एक तरफ बढ़ने की बात है, दोनों चीजों को आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद आप अगला बात देखिएगा स्टैगफ्लेशन का। स्टैगफ्लेशन क्या है? जब आर्थिक समृद्धि, जो जब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात की जा रही है और मुद्रास्फीति की स्थिति में तेजी रहे, तो यह स्थिति क्या होती है? स्लैगफ्लेशन कहलाती है। समझ रहे हो? आप इस बात को भी देखो, देखो दोनों चीजें हैं, एक तरफ मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है। देख रहे हो? ये एक दूसरे की कंट्रावर्सी लग रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो निश्चित रूप से ग्रोथ को कैसे समझेंगे, विकास भी तेजी से है, विकास भी अपनी पटरी पर है और इन्फ्लेशन भी अपनी पटरी पर है। अगर ये दोनों स्थिति आपको देखने को मिल जाती है तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है स्टैगफ्लेशन का। आओ और देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ठीक है कॉन्स्टेंट प्लस इंक्रीज इन्फ्लेशन रेट, आप इस बात को समझो। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कैसा है? कॉन्स्टेंट है, मतलब ग्रोथ हो रहा है, और इंक्रीज क्या हो, इंक्रीजिंग क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इन दोनों चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। तो इसको आप ऐसे मैथमेटिकल टर्म में समझ सकते हैं। आगे देखो, सामान्यतः मुद्रास्फीति की दर ऊंची ऊंची होने पर अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि दर में वृद्धि होती है, परंतु मुद्रास्फीति की दर ऊंची होने पर आर्थिक समृद्धि दर में गिरावट आए तो स्थिति स्टैगफ्लेशन कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में इसी स्थिति से गुजर रही है और इसी बात को समझ सकते हो, इसे स्फीति युक्त गतिहीनता भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? भारत की अर्थव्यवस्था अभी इसी दौर में है, इन्फ्लेशन भी है और डेवलपमेंट भी है, समझो इस बात को। तो भारतीय अर्थव्यवस्था इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मुद्रा स्फीति की गणना, इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ द इन्फ्लेशन। मुद्रा स्फीति की दर आर्थिक नीति निर्माण में व्यक्तियों द्वारा किए गए फैसले को प्रभावित करने में, समझो आर्थिक नीति निर्माण में। इन्फ्लेशन से आप देखेंगे कि किस तरह की आर्थिक नीतियां लेके आनी चाहिए, व्यापारी द्वारा किए गए फैसलों को प्रभावित करने में, जो हमारे यहाँ का व्यक्तियों द्वारा, जो हमारे यहाँ पर लोगों, जो देखिए है क्या सारी व्यवस्था किसके लिए, व्यक्ति के लिए। तो व्यक्ति द्वारा किए गए फैसलों को प्रभावित करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है, इस बात को समझो। उपभोक्ता अर्थशास्त्री और नीति निर्माता आमतौर पर मुद्रास्फीति के एक माप के रूप में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको हम बोलते हैं सीपीआई, का उपयोग करते हैं। सीपीआई समझ रहे हो? सीपीआई एक इंडेक्स है, इस सीपीआई से द्वारा हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं, इसको मापते हैं, इसको उपयोग करते हैं। वर्तमान में 5 अलग अलग मुख्य सूचकांक हैं, करेंट टाइम में 5 अलग अलग तरह के सूचकांक हैं। आइए देखते हैं कौन सूचकांक है। पहला है एनपीआई, इसको हम बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक, एनपीआई। दूसरा कौन सा है? दूसरा है सीपीआई, औद्योगिक कार्य के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दूसरा कौन सा हो गया? सीपीआई आईएन। तीसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको हम बोलेंगे सीपीआई यूएनएमई। क्या बोलेंगे? सीपीआई यूएनएमई। उपभोक्ता, उपभोक्ता के लिए है, कस्टमर के लिए। फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खेतिहर मजदूरों के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीआई एएल। और आखिर में एक है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण मजदूरों के लिए, सीपीआई आईडब्ल्यू। आप देखेंगे इसमें, देखो पहला जो है ना वह एनपीआई है, एनपीआई है, और उसके बाद जो है वह सीपीआई जो है वह चार तरह के सेक्टरों में, अलग अलग सेक्टरों में, जैसे सीपीआई जो है, सीपीआई हम लोग बोलते हैं आईआईएन, और सीपीआई जो है
आईएन वह किसके लिए है, वह है औद्योगिक कार्य के लिए, किसके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए है। और इसी तरह से देखो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो यह किसके लिए, सीपीआई यूएनएमई के लिए है। और देखो उसके बाद क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खेतिहर मजदूरों के लिए, तो सीपीआई एएल के लिए है। और लास्ट में जो है वह सीपीआई आईडब्ल्यू है, जो किसके लिए है, ग्रामीण मजदूरों के लिए है। तो यह हमने अलग अलग सेक्टर वाइज जो है इसको मेजर करने के लिए, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए अलग अलग हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर पार्ट बना रखे हैं। तो अभी वर्तमान समय में हम इसको पांच तरह से हम इसको क्या करते हैं, इसको हम मापते हैं, मेजर करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में आपको हमने इन्फ्लेशन के बारे में समझाया, आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इन्फ्लेशन की गणना कैसे की जाती है, इसके क्या मानक होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बहुत अच्छे से बताई और आपको इस क्लास का बहुत ही आनंद मिलेगा। पढ़ते रहें, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और फिर हम लोग बच्चों आगे की बात करते हैं। यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद बच्चों।